सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन की सीमा वहीं तक है जहाँ तक आप निर्धारित करते हैं। भगवान कभी यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हों, बल्कि भगवान ये अपेक्षा करते हैं कि हम अच्छा प्रयास करें। आप यह कारण बनने का प्रयास करें जिससे अन्य लोगों के चेहरे पर खुशी आए। आपका जीवन कितना अनमोल है ये जानने के लिए जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है। आज का पंचांग 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम 6:08 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र रात्रि 12:12 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:26 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर शाम 6:19 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 3 नवंबर को शाम 7:30 पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 4 नवंबर शाम 6:08 पर। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी पूजा मुहूर्त 4 नवंबर शुक्रवार प्रातः 10:52 के मध्य रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त 4 नवंबर प्रातः 7:57 से 9:20 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 4 नवंबर शुक्रवार प्रातः 9:20 से 10:42 तक रहेगा। मिथुन राशि 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। धन को लेकर सावधान रहें, उधार लेने या किसी बड़ी खरीद से बचें। कई लोग और पालतू जानवर आप पर निर्भर हैं, इसलिए दुर्घटना या चोट से बचने के लिए ध्यान से यात्रा करें। कड़ी मेहनत आपको भविष्य में संपत्ति देगी। अभी परिवार के साथ भोजन करने और संगीत का आनंद लें। आज आपकी अपने शौक और मनोविनोद को पूरा करने की तीव्र इच्छा होगी। छोटी या लंबित यात्राओं का योग भी बन रहा है। आप कुछ दिलचस्प लोगों से मिल सकते हैं जिससे आपका जीवन रंगों से भर जाएगा। बार बार असफल होने पर भी अपनी उत्साह को ना खोना भी सफलता ही है। अनुभवी लोगों से मुलाकात के अवसर मिलेंगे और सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता भी रहेगी। घर की सुख सुविधाओं संबंधित खरीदारी में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी मांगलिक आयोजन की भी योजना बनेगी। निराशा को दूर करने के लिए अपने विचारों को स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करें। जिन बातों के लिए आप आकर्षित हो रहे हैं उनसे संबंधित विचारों को ठीक से समझने की कोशिश करें। अगर पूरे विश्वास के साथ निर्णय लेकर आप आगे बढ़ती हैं तो आपकी जीत हो सकती है। काम से संबंधित चिंता बढ़ सकती है लेकिन नकारात्मक बातें नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए आकर्षण महसूस हो रहा है उनके सामने अपने विचारों को रखने की कोशिश करें। खान पान पर ध्यान न देने की वजह से सेहत बिगड़ सकती है। सावधानियां, किसी मामूली सी बात को लेकर पड़ोसियों से कहा सुनी हो सकती है। अपने गुस्से और वाणी पर काबू रखें। बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें तथा उनका मार्गदर्शन करें। कहीं पैसा उधार देने से परहेज करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों तथा जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। प्रेम संबंध मधुर रहेंगे तथा विवाह में विपरीत होने के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन शानदार है। इसके लिए आप अपने गायन कला का सहारा ले सकते हैं।
आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं और यह आपके चेहरे पर साफ झलकता है। भाई बहन की परेशानियां आपको अभी चिंता में डाल सकती है। आज नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें, हो सकता है कि आपको अपना साथी मिल जाए। दोस्त या प्रेमी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जाने की आपकी लालसा पूरी होगी। कुछ रोमांटिक मूवमेंट भी आपकी प्रतीक्षा में है। आप अपने पंखों को खोलकर उड़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। बात करते हैं करियर की। आप इस समय अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि भविष्य में आपको नए अवसर प्राप्त हो। आपकी आवाज गायन या फैशन कला आपका प्लस पॉइंट है, जिनसे आप अपने परिवार और भाई बहन की परेशानियां दूर कर सकते हैं। आज धन लाभ की भी संभावना है। अपने जिन मौकों को आपने अब तक अनदेखा किया है, वह अब आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। आज लंबी ड्राइव या यात्रा का भी योग है। किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने की संभावना है। अपने बेरंग जीवन को रंगीन बनाने के लिए यह अच्छा समय है। जो भी करना है आज ही करें, क्योंकि यह वक्त फिर वापस नहीं आएगा। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। कुछ समय अपने आराम और मनोरंजन के लिए भी जरूर व्यतीत करें। खान पान पर ध्यान ना देने की वजह से सेहत बिगड़ भी सकती है। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।